بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سورة مباركة عنكبوت آيات نمبر 102 يا 3. آيات كريمة كا ترجمة: واعتصموا बेहबल ला, तुम सब अल्लाह की रस्सी से मुतमस्क रहो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो जमीन सब के सब इकट्ठे होकर। वला तफरक, और इसमें तफरका इफ्तराक जुदाई मत डालो। दो हुक्म है, एक अमर एक नहीं। वा तसीमो अमर है, ऑर्डर है करने के लिए। ला तफरको नहीं है, न करने से होता। तो मुबारक आयत का तहतलफ उसकी तर्जुमा इबारतुन नस भी इसको कहा जाता है, और आयत करीमे के दलालत मुताबिकी या आयत की मंतूक ये मुख्तलिफ अदायगी है, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग अगर सुने तो समझेगा। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और उसमें किसी किस्म की तफरकबाजी मत करो। ये मुबारक आयत का दलालत के मुताबिक भी कहा जाता है, ये मंतूक भी इसको कहा जाता है, और नस आयत भी यही है, इबारतुन नस आयत का यही है। इस मुबारक आयत से इल्तिजामी दलालत है। इल्तिजामी यानी एक मतलब से और एक मतलब निकलता है, उसको इल्तिजामी कहते हैं। नबी दिन है क्या माना रात नहीं है निकलता है। वो दिन है माना अभी दिन है, ये दलालत मुताबिक कहते हैं उसको। उससे हमें जहन में आता है इस वक्त रात नहीं है, उसको कहते हैं इल्तिजाम। अभी हम ऊपर है नीचे है, ऊपर भी नीचे दोनों है। ऊपर के लिए एक नीचे दलालत जरूरी होता है, और नीचे के लिए ऊपर होता है। इस छत के नीचे है, इस छत के ऊपर है। तो ये एक से दूसरा माना खुद बहुत जहन में आ जाता है, उनको कहते हैं दलालत इल्तिजामी। तो मुबारक आया कि दलालत इल्तिजामी ये है, दलालत के मुताबिक कुछ आपको अर्ज किया, मंतूक सरीही तर्जुमा। खुदा की रस्सी को मजबूती से थामो, उसमें किसी किस्म की तफरक मत डालो। अभी खुदा की रस्सी क्या है इंशाल्लाह ताला बाद में रखते। हुक्म यही मिला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, उसमें किसी किस्म की तफरका मत डालो। ये सरसरी तर्जुमा है, इसको मंतूक कहते हैं, मदलूल मुताबिक कहते हैं, दलालत मुताबिक कहते हैं, मुख्तलिफ इस्तिलाह इल्मी। और इसकी इल्तिजामी ये है, सिलसिला ये तसव्वुफ में सब दाखिल हो, उससे कोई खारिज ना हो। ये इस मुबारक आयत दलालत की इल्तिजामी है। आयत का मफहूम है वातसिमु बिहब्लिल्लाह बिहाबली सिलसिला तसव्वुफी। सिलसिला ये तसव्वुफ एक हबलुल्लाह है, उसमें सारे दाखिल हो जाओ, सब उसको पकड़े रहो। सिलसिला ये तसव्वुफ से कोई खारिज ना हो, सब मुसलमान। वला तफर्रक, इस पाक तसव्वुफाना सिलसिले में इस किस्म की तफरकबाजी मत कर, इससे खारिज मत हो। ये मुबारक आयत करीमा का इल्तिजामी मफहूम, इल्तिजामी दलालत और आयत की मफहूम कहा जाता है। यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, उसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ मत डालो, सरही तर्जुमा है। सिलसिला ये तसव्वुफ में सब दाखिल हो जाओ, उससे कोई खारिज ना हो, ये उसका मफहूम है, उसका मदलूल इल्तिजाम का ये है। तो पहला अर्ज किया
इस्लाम एक दस्तूर है, उस दस्तूर को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। इस तरह तसव्वुफ एक दस्तूर है, एक आयीन है, उस आयीन की पसदारी करने वाले, उस आयीन के मातहत चलने वाले को सूफी कहते हैं। मुसलमान सूफी, इस्लाम तसव्वुफ। इस्लाम की मजमूई खूबियों को तसव्वुफ कहते हैं। खूबियों में से तो बहुत खूब है, अच्छाई में से बहुत अच्छा है, उन मजमुओं को जमा करके उनके लिए उरफा ने, सोफे किराम की बुजुर्गान ने, किसी हद तक इल्म के तह को समझने वालों ने उस इस्लाम की खूब से खूबतर चीजों को, अच्छे से अच्छा चीजों को खुदा से करीब करना, बहुत जल्दी करीब करने वाला, उन सारों को जमा करने के बाद उसके लिए तसव्वुफ नाम रखा। तो तसव्वुफ इंशाल्लाह बाद में अर्ज करूंगा, अभी हमारे बहस हो सूफी के बारे में। मुसलमान के बारे में हदीस मशहूर आपको दो तीन पहले जल्द में अर्ज कर दी है, और सूफी के बारे में भी एक हदीस नकल किया है, तकरीबन पहले से अभी तक मैंने एक सौ कुछ किताबों की बारे में किताबों को देख चुका हूं, कुछ नेट से, कुछ मेरे किताबखाने में मौजूद है, कुछ पहला अपने साबिक उसमें मौजूद था इस खजाने में। तो मजमू अब तक जो मैंने देखा 140 से 50 तक तसव्वुफ पर जो किताबें हैं सूफी की तारीफ, तो मजमू सारों का लुब लुबाब यही जो हदीस पहले मैंने आपसे अर्ज किया था, आज और एक हदीस मैंने यहां पर ले आया है, किसी बुजुर्गान से नहीं, किसी वो हदीस किसी नबी से, किसी अइम्मा से नहीं है, सूफी किराम के बुजुर्गों का कलाम है। तो पहले हदीस में सूफी की तारीफ कहा, असूफी मन लबिस सुबह बिसफा, सूफी वो है जो पश्मीना कपड़ा पाक और साफ पहनता है, और वो आशनास माल वफा, लोगों के साथ वफादारी से जिंदगी करता है। और ये पहले हदीस में पहले दफा रह गया था, वसला का तरीका मुस्तफा, मुस्तफा ये तरीके पर वो चला, वसला का तरीका मुस्तफा व तरक दुनिया खल्फुल कफा, चौथे सिफात सूफी का जो इस एक रिवायत की शक्ल में मुख्तलिफ किताबों में है, कशुल महजूब ने नाकिल किया है, तरीकुल हकाइक ने नाकिल किया है, और नफातुल उनुस ने नाकिल किया है, अहमद गजाली ने अपने दारुल मारिफ में नाकिल किया है, इबन अरबी ने फुसूसुल हकम में इसको नाकिल किया है, और हमारे बुजुर्गान ने भी कमोबेश किताबों में रखा है, रियाजुस सहा में मौजूद है, बोस्तानुस सहा में शेरवानी ने नाकिल किया है, मौजूद है। रूमी शम्स तबरेज का शागिर है, इन्होंने अपने मुख्तलिफ किताबों में ये हदीस अदायगी मुख्तलिफ फर्क के साथ मतलब इसी को जिक्र किया है। चार सिफात सूफी में होता है, सूफी पश्मीना, ये सारों ने कहा है, सूफी वो है जो पश्मीना लिबास, साफ सुथरा पश्मीना लिबास है, ये सब ने कहा, और बाकी अक्सर ने कहा है सूफी की तारीफ में वो लोगों के साथ वफादारी से जिंदगी करता है, सूफी में बेवफा ही नहीं होता, क्योंकि जब तसव्वुफ इस्लाम में अब खूब से खूबतर का नाम तसव्वुफ है, यकीनन उससे अमल करने वाली भी सबसे अच्छा होगा, उसमें किसी किस्म की सुकम नहीं पाया जाएगा, और लोगों के साथ वफादारी की जिंदगी करेगा। आपने आप हमसे अभी ये हम पढ़ेगा ना, पढ़ने के बाद अमली जिंदगी में हम अपने आप को, हम खुद भी देखो अपने आप पर, ये किसी और पर नहीं करना है, मैं खुद सूफी हूँ क्या, मैं कितने लोगों से वफादारी से पेश आता हूँ जो बात मैं करता हूँ, मैं खुद सूफी हूँ, सूफी होने से हम जो अभी नुरबाशिया सूफिया कहता है, किसी को इनकार नहीं है सूफी से, कोई इनकार नहीं है, तो सूफी से इनकार नहीं है, तो सूफी की सिफात मुझ में है या नहीं है अपने आप से सवाल करो। कुरान ने कहा है इंसान अपने बारे में सबसे बड़ा आलिम है, मैंने आपसे पहले यह बात सबका क्लासों में कह चुका है, अपने बारे में दुनिया के सबसे बड़ा आलिम कौन है, मैं खुद हूँ। तो कुरान ने चैलेंज, कुरान की फरमान है, तो हम अपने बारे में, सूफी लोगों के साथ वफादारी की जिंदगी करता है, अब क्लास में मुझे तलबा कितने वफादार है अपने दोस्तों के साथ, जो बात कहा वसला का तरीक़ा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की तरीके शरीयत मुस्तफ़ा पर वो चला, तो शरीयत मुस्तफ़ा में एक ऐसे जामे अल्फाज बताया है, इसको इल्मी इस्तिलाह में कलिमतुल इजाज़ कहते हैं,
लफ्ज मुख्तसर सलाका तरीका मुस्तफ़ा तीन कलमे हैं, सलाका तरीकता अल मुस्तफ़ा तीन कलमे हैं। ये तीन कलमों में इतना मानी है जिंदगी भर बोलेगा खत्म नहीं होगा। तरीक़त मुस्तफ़ा क्या है? पूरे शरिया तरीक़त मुस्तफ़ा है, जिसमें छोटे से छोटे मसाइल से लेकर के बड़े से बड़े मसाइल सारे तरीक़े मुस्तफ़ा में, मुस्तफ़ा के रास्ते में, मुस्तफ़ा की तरीक़त में, मुस्तफ़ा की जिस रास्ते पे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी चला है सारे उसमें। तो सूफी के आम तरीन दूसरा सिफात यह है वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पे उसने अपनी ज़िंदगी को चलाया, चला अभी चलाता है अभी नहीं कह रहा है, चलाया है अपनी ज़िंदगी को। जो कुछ अभी तक आप में से जो भी बालिग होकर जितना साल गुजरे हैं मुस्तफ़ा का सरकत पर चला तो फिर सूफी है और दुनिया को दूसरा हैसियत देता है। वो तरह का दुनिया खल्फुल कफा, दुनिया को दूसरे हैसियत। ये हदीस पहले आपको जिक्र किया था, उससे के करीब करीब शेख अबू अली कातिबी रुदबारी हमारे सिलसिले में आया हुआ बुजुर्गान में से है। आप से कहा तज़किरतुल औलिया में ये इबारत नकल है, अस्सूफी व यकून अल अब्दु फी कुल्ली वक्त, सूफी हर वक्त में अपने आप को गुलाम समझता है। सूफी वो होता है, सूफी की सिफात खूबी ये है हर वक्त अपने आप को गुलाम समझता है। गुलाम समझने का क्या माना? किसी मौला के पैसे से खरीदा हुआ गुलाम हो तो गुलाम लाखों दे करोड़ों दे उसको फख्र नहीं होता है ना, क्योंकि मौला के पैसे दिए। सूफी वो है जो अपने आप को हर वक्त गुलाम समझता है, वह बीमा हो अवलाफ हो हर वक्त में इसमें सबसे आगे रखता है, ये सूफी है। जितना देता है ना, कभी जहन में नहीं आता है मैंने उस जगह पे 10,000 रुपये दिया है, मैंने उधर मस्जिद बनाने के लिए ब्लैक टॉपी का पूरा पेंशन की आधा दिया है, मैंने फलान को पैसे आएगा ही जहन में, क्योंकि वो खुदा की नौकर है, बंदा है, गुलाम है, जरखरीद नौकर है। वो अपने आप को ये समझता है मुझको अल्लाह ने खरीदा हुआ, मैं जरखरीद नौकर हूँ। नौकर जितने भी देता है उसके लिए अपने किए हुए अमल पर उसको फख्र नहीं होता है, अपने अमल पर उसको गुरूर नहीं आता है, अपने अमल में रिया की तसव्वुर तो खत्म हो गया ना। मोहतरम नौजवानों, हजरत अबू अली, हजरत शेख अबू अली हमारे सिलसिले के बुजुर्गान में से, वो सूफी की तारीफ ये करते, खुद को गुलाम समझते। क्या हम जमाने के सूफी? देने की बात लिल्ला फिल्ला होता है या मौका जब भी आता है? आपको उस वक्त मैंने पैसे दिया था, वहाँ मैंने लगाया था, वहाँ सब कुछ मैंने किया था, ये जब जहन में हो तसव्वुफ सूफी की सिफात से खारिज हो गया नहीं है। तो ये सूफी की सिफात में से एक है, अपने आप को खुदा के वसीब। हम अब आते हैं नबी करीम से, किसी ने सवाल किया अल्लाह ने आपको बहुत से सारे अलकाबात से नवाजा है, सबसे पसंदीदा अलकाब कौन सा है? तो नबी पाक कहते हैं मुझे अल्लाह ने मेहमान बनाने के दिन, जिस दिन मुझे मेहमानी बनाकर मेहमान बनाकर मेराज पे ले गया, सारे जन्नत को ज़ीनत किया, सब कुछ किया, उस दिन अल्लाह ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मेहमान के दिन ले जा रहा है परवरदिगार आलम। तो मेहमान करके लिए जाता है ना, तो लकब जो है ना वो मुख्तलिफ दिया जाता है, मगर उस दिन अल्लाह ने मुझे कहा सुबहान पाक अल्लज़ी, जो कि असरा मुझे सैर कराया, अब्दिही अपने खसूसी स्पेशल बंदे को। मुझे खुदा ने जितने अलकाबा दिया है उनमें से कलेमा अब्दुन नौकर, बंदा, जरखरीद पैसे के खरीदा हुआ बंदा, ये लकब को पैगंबर कहते हैं। मुझे कुरान ने ताहा कहा, यासिन कहा, मुजम्मिल कहा, मुद्दसिर कहा, मोहम्मद कहा, मुश्तबा, सबसे मुझे जो पसंद आया मुझे मेहमानी बनाकर ले जाने के दिन अल्लाह ने कहा मेरी नौकर को, मेरे बंदे को, वो मुझे सबसे पसंद आया। तो ये सबसे पसंदीदा उलमा ये तसव्वुफ ने सूफी की तारीफ में रखा है। सूफी वो है जो अपने आप को हर वक्त गुलाम समझता है। किसका गुलाम समझेगा? अपने अल्लाह का, अपने नबी का। इसलिए उसमें कभी किसी वक्त भी गुरूर नहीं आएगा। ये सूफी की सिफात में से शेख अबू अली कातिबी रुदबारी फरमा रहा है। और उमर उस्मानी मक्की तसव्वुफ की बहुत बड़ा सूफिया में से एक है, क्योंकि तसव्वुफ के बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे बात बयान करूँगा। हमारे अकीदे के मुताबिक सूफी सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने उसूल एतिकादिया में कहा है 3 लाख वलियुल्लाह से दुनिया खाली नहीं होता है,
तरफतुल एन आंख बंद करने खोलने की मुद्दत तक। अब वो 3 लाख पूरा हम ये नहीं कह सकते ना हमारे भी से ही है पूरा, हम दरबार 3 लाख अभी नहीं, सब ओलील्ला हो गए, वो तो मुसलमान में से नहीं है, मुमकिन एक दो होगा, बाकी दीगर सलासिल तसव्वुफ से भी अवलिया है। इसे सैयद मोहम्मद नूरबख्श सिलसिलत उल अवलिया में बहुत सारों का नाम लाया होगा। ये दुनिया में अभी जितने सिलसिला सलासिल तसव्वुफ में अवलिया किराम है हम उनके इनकार नहीं कर सकते। इनकार न करना मानना सिलसिले की पेशवा दो अलग खाता है। तो उन्होंने कहा सूफी साकिन जवारी बेहतरीन तारीफ के, ये तारीफ तकरीबन ये तारीफ जो है 27-28 बुजुर्गान ने दीन के, बहुत बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान ने तसव्वुफ की। इब्न अरबी ने इस तारीफ को 27 जुज में बयान किया है, अहमद गजाली ने इसको 22 जुज में बयान किया है, और उमर उस्मान मक्की ने इसको 7 जुज में बयान किया, 7 कलीमे है ना, यही अदायगी मुख्तलिफ मुख्तलिफ सूफी की सिफात में। इनमें से सफात नंबर 1 सूफी साकिन जवारे, उसके आजा व जवारी में सुकून होता है, आजा व जवारी से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। ये मुसलमान का तारीफ था, अल मुस्लिमन सलीम अल मुस्लिमों ने मिन यदि ही हुआ निशानी, उसके हाथ से आजा व जवारी मुसलमान का सही व सालिम होता है, उसकी नजर से उसकी जुबान से उसके हाथ से उसके पैर से उसके जिस्म से किसी को कुछ भी नहीं होता। यहां हजरत उमर उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहा है सो भी वो है जवारी उसकी सुकून में होता है, उसके जवारी से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचता। तो जवारी पूरा वजूद पर जो आपके है सारे जवारी है, सिफत नंबर 1 ये सोफी हम भी है सारे है, क्योंकि मैं सोफी की तारीफ इसलिए मेरे एक हदफ तक जाने के लिए मैं ये सारे आपको जहमत दे रहा हूँ, आप सुनेगा समझेगा फिर खुद के बारे में फैसला देगा, खुद के गैर के बारे में फैसला देगा क्या हम किस पोजिशन में कहाँ पर खड़े। दूसरा फुरमारा है मुतमइनुल जिनान, उसके दिल हमेशा अल्लाह के बारे में किसी चीज के बारे में मुतमईन रहता है, किसा मालूम ही हुई जैसे बांग्लो एक बांग्लो एक किसी किसी भी एक समझते हो किसी किसी करना क्या होता है। मौला मुतकियान इसी नशुल बराय खुद बच दर यूत इनकी आवाम कुन चिन किस किस भी आना वो माल साइन किस भी ना आतिस तो नहीं रो अगला बुद्ध पे लोगा छा मेरे छा मना तागजी लोगा चिकते नशा लाख शा लाख बसने किस 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 भी बना सुनने का दाम सुनने तो चाहे मालिक कुछ भी इसमें या यहाँ चीज बेच पी या यहाँ चीज मिल जो नहीं खैर बाला खोला दे किस किस बेच क्यों मना सी एकदम से उनके लोगों बोते तो मुतमईनुल जनान का माना यह है उसके दिल अपने सिलसिले पर अपने बुजुर्ग पर अपने सिस्टम में सेट होता है। एक असम बुलाया दुख दुख एक असम बुलाया दुख दुख एक असम दुख तो गाय सरवर्दी के पास जाए गाय फलान के पास जाए गा नहीं सिलसिला तो साफ सफ है मंदूर बादशाह पीर मोहम्मद शाह से लेकर ओन अली से लेकर के इस सिलसिले में उसका दिल मुतमईन होता है, अपने सिलसिले में दिल मुतमईन होता है। हम जो नरा जिसको कहा मौला मुत्तकियान ने सूसी ओ जरे स्कत भी होना पीछे चल पड़ता है, जहां कहीं थोड़ा तेज हवा उठता है उसी में चला जाता है मुझे कुछ मिलेगा। हम ये हुआ है हम अदारी आया वहां चला गया उसने किस किस किया चला गया, नौकर आ लिया किस किस किया चला गया, और कोई आया किस 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 आंखों आंखों किस किस वहां चला गया देखा नहीं। सो भी यह नहीं होता है कुलखुरी सिलसिले मुतमईनुल जिनान दूसरा सिफत। तीसरा शुरू हुस्सादरी उसके दिल बड़ा वसीदा कुशादा होता है, एमिनी से यहाँ जर छा जर तकुन्ना जर सिंगी को बहुत कुशादा होता है जो नी जो खिरी सोफी सी खुरी हदूद का खिला सा दुख में चुप मैंने आपसे पहला अर्ज किया किसी से रूह को भी उसके दिल में कादिर होता है, क्योंकि वो जीरूह जब तक उसमें अल्लाह के कोई जलवा रोनुमा ना हो जीरूह जीरूह नहीं हुआ है। इस तरह मफातिहुल एजाज इस तरह शुहूद उसका है असली लहजी का यहाँ किताब पढ़ा हुआ मेरे सामने जिसमें उन्होंने अल्लाह ने मखलूकात की तखलीक का एक तस्वूर पेश किया है, करने के बाद उन्होंने कहा है खुदा से किसी इसम की जलवा किसी चीज पर होता है तो फिर वो शे ही होता है, फिर वो शे या हैवान होता है या नबात होता है या इंसान होता है। तो उसके दिल में वो सारे अल्लाह के आयत का मजहर होता है कायनात की सारी चीजें, इसलिए शोरा ने एक मशहूर शेर सा बार बार जगह मचे जरंग हर जर्रे हर पत्ते में तू ही तू नजर आता है अल्लाह वो आरिफ लथोम यंगा मल से कसोना बोले गाम सोना ख्वा मालूम थोमी
जिस चीज को देखेगा उसमें उसके अल्लाह की एक जलवा नजर आएगा। गुलाब को देखेगा रंग अल्लाह की जलवा है, खुशबू अल्लाह की जलवा है, नीचे कांटा ऊपर सुकून मिलने वाली चीज परवरदिगार की जलवा है। हर शे को इसलिए कहा है कि दिल बहुत कुशादा होता है, क्योंकि उस दिल में, सोफी के दिल में हर किसी की कदर, हर चीज जैसा है उसके दिल में उसके एहतराम होता है, इसलिए किसी के दिल शिकन नहीं करता। तीसरा चौथा मुनव्वर उल वजी को सांगा सांगा नूरी का आमिर उल बातिन अंदर आबाद होता है। अंदर आबाद होने के माना अंदर उसमें गंदगी कचरा नहीं होता है। खुदा के जिक्र से दिल आबाद होता है, खुदा के जिक्र से सोच आबाद होता है, खुदा के जिक्र से आंख आबाद होता है, खुदा के जिक्र से कान आबाद होता है, खुदा के जिक्र से जुबान आबाद होता है, पूरे आजा व जवारी दुलदबिन सोफी आमिरुल बातिन गनीयल अशिया दुनिया इस चीज पर को मोहताज मन मालूम कर मोहताजी में पिला खुदा ही मसार बना खोल यहां किसी चीज को क्या जरूरत है। और अपने खालिक हर वक्त जहन में होता, खुद को हर वक्त खालिक की हुजूर में समझता है। अभी हम हर एक दूसरे के हुजूर में है ना, कुल थो चुगन जिग चामिन लची बेसी सवाल पैदा नहीं होता, हर एक दूसरे के हुजूर समझता है। यहां तक छोटा शूर योद की फ्यूच की योद में उसके सामने माँ बाप अपने हलाल जायजी काम नहीं करेगा, उस बच्चे के सामने चीजें गुनाह की तरफ जाए। इसलिए सातवां सिफात सोफी का यह है कि वो खुद को हर वक्त खुदा के सामने समझता है कि मैं मुशाहद खुदा हूं, खुदा मेरी मुशाहिद है, आलम खुदा की शहूद में है, कायनात के हर जर्रा। तो ये सात सिफात, आजा व जवारी से सुकून होता है, किसी को तकलीफ नहीं पड़ता, दिल खुदा के याद से मुतमिन रहता है, सीना बड़ा कुशादा होता है, जो कुछ कहेगा उसके दिल में उसकी कीना, उसके बारे में बगावत, उसके बारे में गलत प्रोग्राम नहीं होता है, चेहरा अल्लाह के नूर से रोशन होता है, अंदर खुदा के जिक्र से अल्लाह के अहकाम से रोशन होता है, और बाकी चीज़ों से वो बेनियास होता है, अल्लाह के खुद को हर वक्त सामने समझता है। कुरान ने कहा आलिमुल ग़ैब व शहादा, कुरान ने कहा नानु अक़रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे शहर से करीब हूँ, मैं ग़ैब शहादत दोनों को जानने वाला हूँ। तुम्हारे सोचने से पहले मौलाए मुत्तकिया ने कहा है मा यख्तरु कि कल्बी बशर, बशर के दिल में जो सोच आता है सोच आने से पहले खुदा समझ लेता है कि ये बंदा ये सोच रहा है। उस अल्लाह के सामने खुद को समझते हर वक्त, ये सोफी है। शेख अब्दुल काहिर रहमतुल्लाह अलैह की खुलासा ये, सोफी मुनक़ति अनिल खल्क़ मुत्तसिल बिल हक़, लोगों से लेन देन नहीं होता है, खुदा से हर वक्त मुत्तसिल होता है। इमाम गजाली ने कहा है सोफी पैन जमी हरकत हम मुख्तबी सुन नूर मिशकात नबूवा, सोफी की पूरे के पूरा हरकत नबूवत के नूर से लिया हुआ है। नबूवत के नूर क्या होगा? नबूवत के नूर कुरान है, नबूवत के नूर पैगंबर की पूरी जिंदगी है। तो सोफी नबूवत के नूर से चराग लेकर के, रोशनी लेकर के लोगों को वो चराग फैलाता है। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिदायत से उसने नूर लिया है तो उसमें दो जबानी कहाँ से आएगा, झूठ कहाँ से आएगा, फरेब कहाँ से आएगा, दुखला पर्सी कहाँ से आएगा, जो पैगंबर से नहीं है, पैगंबर की शरीयत में नहीं है, तो वहाँ से वो नूर लेता है। हजरत जुनेद बगदादी हमारे सिलसिले का पीर, उधर अली रुदबारी इधर शेख जुनेद बगदादी, फरमाता है सोफी फानी दिख्वेश बाकी बहा, सोफी वो होता है अपने आप में फना होता है खुदा के जिक्र में और अल्लाह की खुशी के लिए जिंदगी रहना चाहता है, अल्लाह की जिंदगी के लिए जिंदा रहना चाहता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ यह है परवरदिगारा तेरी खुशी की जिंदगी मुझे हो, जितना जिंदगी देना है दे दो, एक लम्हा तेरी नाराजगी में अगर वक्त गुजरना हो तो मुझे मौला परवरदिगारा मेरे अल्लाह वो जिंदगी मुझे नसीब ना हो। तो सोफी ये होता है अल्लाह से, ये सारे सिफात सोफी का है। फिर देखेगा यह सारे सिफात सोफी के लिए क्यों मिला है, तसव्वुफ पर चलने से मिला। तसव्वुफ क्या होगा आइंदा जलसे में, अभी सोफी के मुतालिक, सोफी हर वक्त हक के लिए जान देता है,
हजरत शम्स तबरेज का उस शागिर्द मौलाना बल्खी रूम बल्खी उसकी मजमू अशार मिसाल इन तसव्वुफ लास्ट उस जैसे मेद पिशोबू चकी। उसमें अपने शहर में एक औरत रहती थी, फैशन नंबर एक औरत थी, मशहूर औरत थी। अपने घर के ऊपर अलम लगा हुआ था फाहिशे के अलामत के लिए, कदीम जमाने में ये होता था। घर के ऊपर घर के गेट पर चराग जलाते थे। चराग जलाने के दो वजह, एक तो मैं गरीब परवर हूँ, आओ मेरे पास खाना खाने आओ, रहने के लिए जगह है, ये अलामत के लिए। एक अलामत वहाँ चराग जलाया, आग जलाया, मैं गलत औरत हूँ, जो आना चाहो मेरे पास आ जाओ, उस किस्म की औरत। उसने मौलाना रूमी की फजाइल सुने, वास नसीहत के बारे में बहुत सुना, ये तो बहुत बड़ा दिलनिशीन तकरीर करता है रूमी नामी बंदा, बहुत जबरदस्त अशार बढ़ते हैं, दिलनिशीन बातें करता है। उसकी माफी ले बैठने के बाद हिदायत मिल के पर कोई उठता ही नहीं है, सुना तो औरत के लिए इतना बुरी औरत तड़प हो गई दिल में होगी कि लिबास बदल की महफिल में आ गई, तो किसी ने पहचान लिया हो ये तो वो फैशा औरत है, यहाँ पर हमें धोखा देने के फिरेब देने के लाए। उसने उसको उसका तीन चार बंदे ने देखा, वाकई हो तो वो फैशा औरत है, लिबास बदल के आगे बैठे हुए तीन चार में घेरे में लगा दी, जाओ निकल गया जो यहाँ से, तुम हमें फिरेब देने के लिए फिरेबकार औरत जिंदगी भर गलत करते रहे, इस नूरानी माफी में भी तुम आया रूमी को सुनने के लिए। रूमी के कलाम तो चुकुचा, औरत चीखते है मैं जब दिल में तड़प होकर के मैं आया हूँ, चार पांच तैयार हो गया उसको मारने के लिए, तो उतने में एक सौ भी सामान हाजिर हुआ। उसने औरत को कहा पीछे बैठो, सेना तन खड़ा हो, क्या करना चाहते हो, निकाल दो इस बदमाश औरत को यहाँ से महफिल से, सादे लोगों को फिरेब देने के लिए यहाँ आए हैं। वो कहते हैं क्या तुम इसके दिल में बैठे हुए हैं, खामोश। फिर हुजूम आता है, उसको फिर रोक देता है, वह कहता है आप भी इस जैसे बुरे हो, उस सोफी बुजुर्ग को, आप भी जैसे बुरे हो, बुरे को आप पनाह दे रहे हो, हम सब जानते हैं ये औरत मोहल्ले के गांव की नंबर एक बुरी औरत है, तुम भी बुरों के साथ देते हो। तो वो कहते हैं क्या तुम में से किसी को पता है मेरे यहाँ क्या है मेरे दिल में, तुम मुझे बुरा कह रहे हो, सब खामोश। फिर उन्होंने कहा क्या रूमी ने यही सिखाया है, हिदायत के लिए जो आया हिदायत मुमकिन है मिल जाए, अभी से तुम निकाल के बाहर कर दे, यही सिखाया तुम्हारे उस्ताद ने, सब खामोश। उतने में उसने कहा औरत से आओ मेरे पिस्टल पढ़ो, वो ले गए। तो फिर मौलाना साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे, जब वो महफिल से उठ के वहां पहुंचा, एक एक किराम में उठा मौलाना रूमी, जब वो उसके एहतराम में उठता है सारे हैरान हो गए, हमारे उस्ताद रूमी इतना बड़ा कौन था ये, कहता ये मेरे उस्ताद थे शम्स तबरेज, ये मेरे भी उस्ताद शम्स तबरेज, तुम्हारे बदतमीजी देख करके इसने शहूद से आकर के यहाँ उसने इस औरत को बचाया है, मैं देख रहा था तुम्हारे किरदार को, सोफी का किरदार ये नहीं होता है, सोफी अपने से किसी बुरे से बुरे, क्योंकि इस उम्मीद में किसी का मुमकिन है एक कलाम हिदायत की वो सुन ले। फिर वो औरत शम्स तबरेज के भी जाने के बाद में एक बेहतरीन मुरीदी की जिंदगी गुजारा है, उस औरत के बारे में तारीख में बहुत अच्छे से अच्छे बातें लिखा हो, क्योंकि जब ताइब होता है खुदा के हुजूर ताइब होता है तो गुनाहों को बख्शिश में कोई देर नहीं रखता। जिना तो क्या अहले बैत को पानी बंद करके करबला में पहुंचाया हुर ने, जिना तो आम लोगों में है ना, खानदान ने अहले बैत को जिस तकलीफ में फंसा दिया हुसैन ने तारुफ कराने के बावजूद भी करबला में, लेकिन एक अल्लाह तआला की सदा ने तब्दील कर दिया, एक से दो घंटे में जहरा की रुमाल तोहफे में नसीब हो, उसको बदलने में देर नहीं लगता इंसान, अच्छा ऐसे बुराई की तरफ बदलने में देर नहीं लगता। तो सोफी की वजूद से हर किसी को हिदायत मिलता है, सोफी की वजूद बैस रहमत होता है, सोफी की आंख वफा की आंख होता है, सोफी की जुबान सिद्क की मजहर होता है, सोफी की कान कुरान सुनने की एक बेहतरीन असलाह है, सोफी की वजूद लोगों के लिए बैस रहमत है। सोफी से ही अभी इस किताब में इंशाल्लाह मैं आपको हवाला निकाल के दूंगा, सोफी से ही इस वक्त कायनात के सिस्टम खुदावंद आलम चला रहा है, नाम हुज्जत गैबत में है, ये है सोफी, ये सोफी का किरदार है। तो हम सोफी होने की ये सिफात अपने अंदर पैदा करें, ये सारे सोफी की सोफियत की जो बेहतरीन एक जबरदस्त मुकम्मल अच्छे तमाम मुफस्सिरीन बहुत सारी किताबें हैं तारीफ किया, तो इस तारीफ में इतना वसफ के हामिल हम सोफी हो कब
हम अपने तसव्वुफ को पूरा समझे, तसव्वुफ के ऊपर पूरा अमल पैरा हो। परवरदिगारा तेरे दरगाह में दुआ गो है, मोहम्मद आली मोहम्मद के सदक़े में हमें सूफियाना सिफात सारे अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह, और हमें तमाम किस्म की हीला बहाने कुन ज़हनी वगैरह सब को छोड़ कर की तसव्वुफ जो हकीकत में इस्लाम की खूबियों का मजमुआ है उसको समझ कर की उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। Thank you.